नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ब्लैक बोर्ड में। आज हम बात करने वाले हैं गणित ट्रिक से रिलेटेड। ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर दूसरा है। अगर आपने हमारे इसके पहले का पार्ट और 200 से अधिक प्रैक्टिस सेट और ट्रिक के वीडियोस नहीं देखे हैं डिफरेंट टॉपिक के, तो इस वीडियो के लास्ट में आपको पूरी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा जहाँ से आप उन सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं। दोस्तों, ये जो हम मैथ्स की प्रैक्टिस सेट लगवा रहे हैं ये सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। चाहे आप स्टेट लेवल का एग्ज़ाम देने जा रहे हो या सेंट्रल लेवल का एग्ज़ाम देने जा रहे हो, जहाँ कहीं भी मैथ्स पूछी जाती है उन सभी परीक्षाओं के लिए रामबाण सिद्ध होगा। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, यदि साइन 2x माइनस 20 डिग्री बराबर है आपका कॉस 2y प्लस 20 डिग्री के, तो आपको बताना है कि टेन x प्लस वाई क्या होगा। ठीक है, आप लोग क्वेश्चन समझ गए होंगे कि मेरा कहने का मतलब क्या है, कि ये जो साइन आपका है ये बराबर है कॉस 2y प्लस 20 डिग्री के, तो आपको टेन x प्लस वाई बताना है। ठीक है, लोग वीडियो को पॉज कीजिए सबसे पहले और खुद से सॉल्व कीजिए, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर। तो दोस्तों, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा साइन कॉस में और अंदर का सेम नंबर हो, जैसे यहाँ 2x माइनस 20 है और यहाँ 2x प्लस 20 है, ठीक है, तो माइनस का ही अंतर है, बाकी सब कुछ वही है और y और x है। ठीक है, तो इस कंडीशन में आपको कह रहा है कि टेन एक्स प्लस वाई बताना है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए आपको एक आइडेंटिटीज़ में कन्वर्ट करना होगा। मतलब अगर साइन दिया है तो या तो साइन को कॉस में कन्वर्ट कर लो या कॉस को साइन में कन्वर्ट कर लो, ठीक है, ताकि दोनों एक ही जैसे हो जाएंगे और उसके बाद आप टेन का वैल्यू निकाल सकते हो। चलिए मैं करके आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं इसे एक बार एज इट इज़ नोट कर लेता हूँ, जिससे कि आसानी रहेगी आपको समझाने में। ठीक है, कॉस 2y प्लस 20 डिग्री, ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब मैंने क्या बताया कि चलिए मैं कॉस को साइन में कन्वर्ट कर लेता हूँ। अब आपको फार्मूला पता ही होगा कि कॉस को अगर मैं साइन में करना है तो कॉस 90 डिग्री माइनस अगर कोई चीज़ थीटा करते हैं तो हमारी हो जाती है साइन थीटा। ठीक है, तो ये आपको फार्मूला पता ही होगा, इसी चीज़ का हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। ये फार्मूले आपको पता होने चाहिए तभी आप कर सकते हैं, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पता ही होगा। तो अब क्या हो जाएगा, कॉस की जगह हो जाएगा साइन और हो जाएगा 90 डिग्री माइनस 2y माइनस 20 डिग्री। ठीक है, ये हो जाएगा। चलिए और सॉल्व कर लेते हैं। अब क्या हो जाएगा, 90 माइनस 20 कर देंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, और पहले हाँ साइन को कैंसिल कर लेते हैं, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, हो जाएगा 2x माइनस 20 डिग्री। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा 90 डिग्री माइनस 2y और माइनस 20 डिग्री। ठीक है, ये भी 90 में से माइनस 20 जाएगा, 70 हो जाएगा। तो x और y को एक तरफ कर लेते हैं, इस y को इधर ले आते हैं और इस 20 को इधर लेके चले जाते हैं। ठीक है, तो हो जाएगा 2x और ये माइनस 2y इधर आएगा, तो हो जाएगा 2y इक्वल टू हो जाएगा हमारे ये 20 उधर जाएगा, तो ये 20 माइनस में, इधर भी माइनस 20 है तो ये कैंसिल ही कर लेते हैं यहीं पे, और फिर इधर हो जाएगा हमारा ये 90 डिग्री। ठीक है, अब क्या करना है, आपको पूछा x प्लस वाई, तो यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं, ये हो जाएगा अपना x प्लस वाई इज इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, अब x प्लस वाई आपका हो जाएगा 90 डिग्री बाई 2, ये कट के आपका क्या आ जाएगा, 45 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, बस अब आपने निकाल ही लिया, x प्लस वाई पता है आपको, और पूछ रहा है कि टेन एक्स प्लस वाई बताइए, तो कुछ नहीं करना है, टेन एक्स प्लस वाई आपको फाइंड आउट करना है। तो टेन लिखिए, x प्लस वाई की वैल्यू हमारी क्या आ रही है, 45 डिग्री, इसको लिख दीजिए। ठीक है, तो टेन 45 की डिग्री क्या होती है, टेन 45 क्या होता है, एक होता है, पता ही होगा आप लोगों को, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए दोस्तों, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है 6, 25, 62, 123 और 214। तो नेक्स्ट यहाँ पर आपका कौन सा नंबर होगा, ये एप्टीट्यूड के क्वेश्चन है, तो आप लोग इन्हें बताइए कमेंट करके हमें कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कमेंट ज़रूर कीजिएगा जिससे मुझे पता चलेगा कि आप लोगों को आ रहा है, धीमे धीमे मैं और भी आपको अच्छे क्वेश्चन दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड लेते हैं, यदि sec 7x प्लस 28 डिग्री बराबर है आपका cos 30 डिग्री माइनस 3x डिग्री के, तो आपको बताना है, फाइंड करना है कि x की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे कि क्या है, तो अब देख लेते हैं। सबसे पहले वही तरीका करते हैं, आप वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से सॉल्व कीजिए। अब मैं आपको बताता हूँ, sec एक बार ऐसे ही लिख लेते हैं एज इट इज़, जिससे कि थोड़ी सी आसानी हो जाएगी आपको समझाने में भी और मुझे लिखने में भी। 30 डिग्री माइनस 3x,
ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब हमको फिर से वही करना है, अगर कोई आइडेंटिटीज़ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ सेम में कन्वर्ट हो जा रही इस टाइप के क्वेश्चन में जिसमें ब्रैकेट लगे हों, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सेक हो रहा है, ये कॉसेक है, तो इसको हम क्या ऐसा कुछ कन्वर्ट कर सकते हैं जिससे ये भी कुछ सेक में हो जाए या ये भी कॉसेक में हो जाए, ताकि ये कैंसिल हो जाएंगे और फिर हमें एक्स आसानी से मिल जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं कैसे कन्वर्ट करेंगे। हमको पता है एक रूल जिसमें होता क्या है कि अगर कॉसेक को हम 90 डिग्री माइनस थीटा करते हैं तो आपका हो जाता है वो सेक थीटा, ये आपका एक रूल है, ठीक है, फॉर्मूला है, तो इसे याद रखिए। इसी फॉर्मूले का यूज़ करेंगे जैसे हमने अभी पिछले क्वेश्चन में किया था, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। प्रैक्टिस करने से आप लोगों को इन क्वेश्चंस के और अच्छे तरीके से आ जाएंगे, ठीक है। तो ये 28 डिग्री है, बराबर हो जाएगा, तो इसको करिए आप, इसे माइनस करते हैं फिर से, तो हो जाएगा सेक 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री प्लस 3 है। प्लस क्यों हो गया आप समझ गए होंगे, जब 90 माइनस होगा तो इसमें से ये वाला माइनस में हो जाएगा और ये वाला प्लस में हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। अब क्या करेंगे, सेक से सेक को कैंसिल कर देंगे, बचा 7x प्लस 28 डिग्री हो गया, ठीक है, बराबर कर देंगे, 90 माइनस 30 कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा प्लस 3x हो जाएगा। अब कुछ नहीं करना, x वालों को एक तरफ कर लेते हैं और डिग्री वालों को एक तरफ कर लेते हैं, तो ये इधर जाएगा 3x तो माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 7x माइनस 3x बराबर हो जाएगा 4x। इधर क्या आ जाएगा आपका, 60 डिग्री माइनस 28 डिग्री, ठीक है, तो ये आपका कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 32 आ जाएगा आपका, ठीक है, 4x इज इक्वल टू 32, तो x की वैल्यू आपकी यहाँ पे कितनी आ गई, 8 आ गई, ठीक है। अब आपसे पूछा गया था x की वैल्यू पूछा, तो यही आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है हमारा, यदि कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा आपका 3 के, और थीटा की जो वैल्यू होगी 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में हो, ठीक है, तो आपको बताना कि थीटा की वैल्यू क्या होगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पहले इस वीडियो को पॉज करके उससे सॉल्व कीजिए, फिर मैं आपको इसे बताता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए आपको जहाँ भी साइन कॉस बटे में वो इस टाइप का दिया हो, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, तो आपको करना क्या, और अगले नेक्स्ट तरफ इक्वल के उधर आपको नंबर दिए हों, चाहे वो 3 हो, चाहे वो 2/3 हो, या कोई भी नंबर 235/55 हो, इस टाइप के नंबर अगर दिए हों तो आपको कुछ नहीं करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेना होता है, ठीक है। चलिए मैं आपको करके बता देता हूँ एक बार, क्वेश्चन को ऐसे लिख लेते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 3। अब नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, 3 cot² θ माइनस 3 cos² θ बराबर हो जाएगा cos² θ, ठीक है। अब करना क्या है, cos² θ को एक तरफ ले लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, 3 cot² θ बराबर हो जाएगा, ये माइनस में उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा 4 cos² θ, ठीक है, 4 cos² θ हो जाएगा। अब आप लोग समझ गए होंगे, अब करना कुछ नहीं है, इसको हमें कर देना है कन्वर्ट, इसे कॉट को हम, आपको पता ही होगा कॉट जो थीटा होता है वो हमारा होता है cos θ/sin θ होता है, ठीक है, ये भी फॉर्मूला है आप लोग को पता ही होगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, cos²θ/sin²θ बराबर हो जाएगा 4 cos²θ। अब 4 cos, ये cos²θ, ये cos²θ कैंसिल हो जाएगा और आपका आ जाएगा 3 3 इक्वल टू 4 sin²θ, ठीक है, ये हो जाएगा। अब sin²θ फिर क्या हो जाएगा हमारा, sin²θ हो जाएगा हमारा 3/4। अभी स्क्वायर हटा देते हैं चलिए, क्योंकि हमें थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो हो जाएगा √3/2, समझ गए होंगे। यहाँ पे जो रूट लगेगा तो रूट में ये √3 हो जाएगा और 4 रूट से बाहर आ जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है, तो यही मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब आपको पता है sin θ इज इक्वल टू √3/2, साइन में कौन सी कितनी वैल्यू देता है, ये 60 पे आती है, ठीक है, 60 डिग्री पे आती है √3/2, तो यहाँ पे लिख लेते हैं sin 60 डिग्री, ठीक है, साइन से साइन कैंसिल हो गया, थीटा की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 60 डिग्री। यदि 2
ब्रैकेट में कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 हो तो फाइंड करना है आपको थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, ठीक है। थीटा का मान आपको ज्ञात करना है, तो कैसे करेंगे इसको, इसके लिए भी हमें यही करना है। सिंपल, आप इसे वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से सॉल्व कीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ कि क्या होगा। 1 है यहाँ पर, ठीक है, ब्रैकेट लगा है, 2 को आप इधर लेके चले जाइए, 2 को इधर लेके चले गए हैं। फिर क्या करना है हमको, अब हमें एक आइडेंटिटी फार्मूला पता ही है कि साइन स्क्वायर थीटा जो होता है वो हमारा होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के। मैं ये नहीं कहता कि आप साइन को हमेशा कॉस में करिए, कॉस को भी साइन में कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। मैं यहाँ पे जो करा रहा हूँ उस टाइप से करा रहा हूँ, आप भी उस तरीके से करेंगे। अगर आप कॉस को बदलेंगे, कन्वर्ट करेंगे और साइन में करेंगे तो भी आंसर आपका उतना ही आएगा, ठीक है। तो वो आप पे डिपेंड करता है आप क्या करते हैं। तो चलिए, मैंने क्या किया है, साइन को कन्वर्ट कर लिया है कॉस में, तो अब देख लेते हैं कि कैसे होगा। सबसे पहले कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो वैसे ही रहेगा, माइनस लगाते हैं, यहाँ हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1/2 के, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, ये माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा अंदर और ये पूरा ब्रैकेट खुल जाएगा, तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है, बराबर हो जाएगा 1/2 के। अब देखिए, ये कॉस स्क्वायर थीटा, ये कॉस स्क्वायर थीटा दोनों जुड़ जाएंगे तो हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर 1/2, ठीक है। अब ये क्या करेंगे, 1 को इसको इधर लेके चले जाते हैं तो हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1, ये कितना हो जाएगा, 2 1 जो 2 प्लस 1 3/2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, इस 2 को भी नीचे ले आते हैं, क्यों, क्योंकि हमें थीटा निकालना है, तो क्या कर देंगे हम, हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 3/2, यहाँ पे पहले सा था और ये 2 भी आ गया नीचे, तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब स्क्वायर को इधर लेके चले जाएंगे, ये स्क्वायर हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी √3/2, ठीक है। अब हमें पता है कि कॉस थीटा में जो √3/2 होता है वो कौन किस पे वैल्यू देता है, ये कॉस 30° पे देता है, ठीक है, पता ही होगा आप लोगों को, कॉस से कॉस कट गया, थीटा की वैल्यू क्या आ गई आपकी 30°। ये है आंसर का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये क्वेश्चन है, यदि sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू आपका √3 है और थीटा की वैल्यू 0° से 90° के बीच में है तो आपका tan 3 थीटा की वैल्यू क्या होगी। क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे, आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से सबसे पहले सॉल्व कीजिए, ठीक है। तो इसमें करना क्या होगा आप लोगों को, इसमें सबसे पहले आपको ये करना होगा, देखिए एक फार्मूला होता है आप लोगों को पता ही होगा कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा ये होता है आपका 1 के बराबर, ठीक है। अब आपको पता है ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 1 है, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी और ए माइनस बी लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आप देख रहे हैं कि ये ए है, ये बी है, ठीक है, तो ए प्लस बी का फॉर्म बन रहा है, मतलब ए प्लस बी ए है और एक ए माइनस बी, आप खुद से लिख देंगे। तो करना क्या होगा, बस कुछ नहीं, इसे नोट कर लीजिए, sec थीटा प्लस tan थीटा, एक ये फॉर्म लिख दीजिए, अगला फॉर्म आप क्या लिखेंगे, sec थीटा माइनस tan थीटा, ठीक है, ये आपका क्या होता है बराबर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होगा आपका 1 के, ठीक है, तो इसे 1 के बराबर कर देंगे। अब हमको पता है sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर है √3, मतलब ये वैल्यू क्या हो जाएगी, √3 के बराबर हो जाएगी। दोस्तों आप ये सोच रहे होंगे कि ये कैसे, हमें कब पता चलेगा, कैसे करना है, तो ये चीज़ें आपको प्रैक्टिस से आ जाएंगी और फार्मूले आपको ये रटे रहेंगे तो आप लोग वैसे ही कर लेंगे, ठीक है। तो ये √3 के बराबर हो गई, इसे हमने यहाँ पुट कर दिया और sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू हमने कर दिया 1 के, ठीक है। अब क्या करेंगे, √3 को उधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा sec थीटा माइनस tan थीटा हो जाएगा आपका 1/√3, ठीक है। तो अब आपको दो इक्वेशन मिल गई, एक ये पहली वाली, इसे मान लीजिए, इसको दूसरी इक्वेशन मान लीजिए, ठीक है, क्योंकि आपको निकालना क्या है, tan 3 थीटा, मतलब आपको थीटा मिल जाए तो आप वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आपको करना क्या होगा, इन दोनों को, फर्स्ट और सेकंड को आप माइनस कर दीजिए, ठीक है, फर्स्ट को माइनस कर देते हैं सेकंड से, ठीक है, कुछ भी कर दीजिए। तो ये कर देंगे तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले हो जाएगा sec थीटा थीटा माइनस tan थीटा
हो जाएगा आपका 1/√3, ठीक है। फिर ये सेकंड इक्वेशन लिख लेंगे, ये वाली, ये हो जाएगा आपका sec θ + tan θ, और इसकी वैल्यू हमारी है √3। हमने इसे क्या किया है, माइनस कर दिया, तो माइनस sec θ कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा -2 tan θ, बराबर हो जाएगा 1/√3 और -√3, ठीक है। ये हो गया, अब क्या होगा, ये √3 इधर मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 1 -3/√3, ठीक है। तो ये माइनस में हो के आएगा, क्या हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा, तो अब क्या हो जाएगा आपका -2 tan θ इक्वल टू -2/√3 हो जाएगा, ठीक है। माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, अब आपका हो गया tan θ = 1/√3। अब आपका, आपको पता होगा √3 की वैल्यू क्या होती है आपकी, तो √3 की वैल्यू आपकी टेन में कितनी आती है, 30 भी आती है, तो ये कर देंगे tan θ = tan 30°। तो ये हो जाएगा आपका tan 90°, ठीक है। अब tan 90° की आप लोगों को वैल्यू पता ही होगी कि क्या होती है, tan 90° की वैल्यू होती है आपकी इनफाइनाइट, ठीक है। तो यही हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा cosec θ - cot θ = 7/2, तो वैल्यू आपको फाइंड करनी है cosec θ की, ठीक है, वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन भी पिछले जैसा ही है, बस आपको इसमें फार्मूला पता होना चाहिए कि cosec²θ - cot²θ जो होता है वो आपका होता है 1। तो ये आपका हो गया फॉर्म a² - b² वाली, तो ये क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा a प्लस बी, दूसरा हो जाएगा a - b, और ये 1 तो है ही, ठीक है। यहाँ पे तो यही सेम फार्मूला यहाँ पे भी यूज़ करेंगे, ये आपको प्रैक्टिस से पता ही चल जाएगा कि हमें कहाँ पे कौन सा फार्मूला यूज़ करना है। तो यहाँ पे भी यही करते हैं, cosec θ - cot θ, एक ब्रैकेट बना लेंगे, ये हो गया a - b, अब a+b ले लेते हैं, cosec θ + cot θ, ये हो गया हमारा a+b, बराबर कर देते हैं इसको किसके, 1 के, क्योंकि हमने यहाँ बताया ही है कि cosec²θ - cot² बराबर होता है 1 के, ठीक है, 1 के। तो अब यहाँ पे हमें इसकी वैल्यू 7/2 दी हुई हुई है पहले से, तो इसे नोट कर लेते हैं और बाकी का ऐसे ही लिख देते हैं, ठीक है। cot θ ये हो जाएगा 1/1 हो जाएगा, ठीक है। अब इसे क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, 2 उधर चला जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। अब ये आपकी हो गई पहली इक्वेशन मान लीजिए इसे, और दूसरी इक्वेशन मान लीजिए, आप इक्वेशन नंबर कुछ भी मान सकते हैं, बस आपको cosec θ निकालना, ये बात ध्यान रखनी होगी कि हमें cot θ कैंसिल हो जाना चाहिए जिससे कि हमें cosec θ की वैल्यू निकल आए। तो चलिए हम कर लेते हैं, फर्स्ट में से माइनस कर लेते हैं सेकंड को, तो सबसे पहले फर्स्ट लिखते हैं, फर्स्ट इक्वेशन ये हमारी, तो cosec θ + cot θ हो जाएगा आपका, बराबर हो जाएगा 2/7। अब दूसरी इक्वेशन ये है, इसको लिख लेते हैं हम, cosec θ - cot θ, ये हो जाएगा आपका 7/2, ठीक है। इसे हमें क्या करना है, देखिए हम इसे यहाँ पे प्लस करेंगे जिससे कि ये कैंसिल ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस कर लेते हैं, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे आपस में, ये क्या हो जाएगा, 2 cosec θ हो जाएगा, 2 cosec θ, और ये 2/7 + 7/2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसे ऐड कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, अगर हम इसको एक सेपरेट यहाँ पे कर लेते हैं, 2/7 + 7/2 को ऐड करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 14 आ जाएगा, LCM ऊपर आ जाएगा 49, और ये हो जाएगा +4, ठीक है। दोनों का मतलब आप करेंगे तो यही आएगा 49, और आपका फिर आ जाएगा ऐड करने पे 53/14 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या क्या हो गया है, 2 cosec θ जो है, 2 cosec θ जो है वो आपका हो गया है 53/14 के बराबर। अब आप यहाँ से cosec θ की वैल्यू निकालनी है, तो 2 को यहाँ नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा 53, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, cosec θ की 53/28, ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों, ये क्या है आपका, 5 tan θ = 4। इसमें आपको बताना है कि 5 sin θ - 3 cos θ और अपॉन 5 sin θ + 2 cos θ इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो इसको बताने के लिए आपके पास दो तरीके हैं, एक तरीका है जो शॉर्ट मेथड है, बहुत ही जल्दी कर सकते हैं, एक थोड़ा सा टाइम लगेगा।
तो मैं यहाँ पर आप लोगों को बता रहा हूँ शॉर्ट मेथड, जिससे कि आप जल्दी से कर सकें। तो इसमें करना कुछ नहीं है, सिर्फ जहाँ भी मैंने बताया साइन थीटा कॉस थीटा डी के इस टाइप का फंक्शन, और अगला इक्वल टू के बाद नंबर दिखे कोई, तो उसे क्या कर लेना, एक तरफ कर लेना है। टेन थीटा हो जाएगा आपका 4/5, ठीक, ये 5 है। अब क्या करते हैं, हमको पता है यहाँ पे साइन थीटा दिया और कॉस थीटा में दिया है फंक्शन, तो टेन को भी हम बदल लेते हैं, क्योंकि हमें टेन का पता ही है कि साइन थीटा होता है टेन और कॉस थीटा के बराबर होता है। आपको पता होगा टेन थीटा जो होता है वो साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है, ठीक है। यही बस मैंने यहाँ पे लिख दिया है, वैसे कर दिया 4/5। अब क्या किया मैंने, साइन की वैल्यू मुझे पता है 4 है, कॉस की वैल्यू क्या पता है 5 है, बस अब इसमें पुट कर दीजिए। क्या करना है, 5 लिखा हमने, साइन थीटा की वैल्यू क्या 4 है, इंटू 4 कर दिया, -3 किया यहाँ से, कॉस थीटा की वैल्यू क्या 5 है, इसे 5 कर दिया, फिर 5 साइन थीटा की वैल्यू 4 है, यहाँ बीच में प्लस है, 2 किया मल्टीप्लाई, कॉस थीटा की वैल्यू क्या हमारी 5 है, इसे भी कर दिया। अब क्या करेंगे, 5 और 20 -15, नीचे क्या हो जाएगा 20 प्लस 10, तो ये हो जाएगा 20 में से 15 घटाएंगे हो जाएगा 5, और नीचे हो जाएगा 20 10 प्लस 30, ठीक है। तो ये 5 एक 5, 5 6 30, आपका क्या आ गया वैल्यू, 1/6 आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। तो दोस्तों ये बहुत ही शॉर्टेस्ट मेथड है, आप लोग अलग अलग तरीके से, हो सकता है आप में से बहुत से लोग इसे जानते हों, जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो आपसे ये तरीके सीख लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि 10π/2 -α/2 √3 है तो कॉस अल्फा क्या होगा, ठीक है। बहुत ही दोस्तों ये भी एक मेथड है, लॉन्ग मेथड है और एक है शॉर्ट मेथड, तो मैं आपको ये शॉर्ट मेथड बताने वाला हूँ, जिसे आप क्वेश्चन को मुश्किल से 10 सेकंड के अंदर ही कर लेंगे। कैसे करेंगे चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हमें पता है कि 10π/2 -α/2 है, तो इसको एक बार नोट कर लेते हैं, ठीक है। π/2 मतलब 90 डिग्री होता है, -α/2 किया हमने, और यहाँ पे क्या है, √3 है, ठीक है। अब करना कुछ नहीं है, टेन हमको पता है, टेन 90 माइनस थीटा अगर कुछ होता है तो उसे क्या हो जाता है, कॉट थीटा में हो जाता है, तो बस यहाँ पे भी वही करना है, यहाँ पे थीटा के जगह क्या है, α/2 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉट α/2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, √3। अब हमको देखना है कि कॉट में √3 की वैल्यू कब आती है, ठीक है। तो कॉट α/2, कॉट में √3 की वैल्यू कितने पे आती है, कॉट 30 पे आती है, कॉट 30 डिग्री पे, तो कॉट से कॉट कैंसिल हो गया, क्यों, क्योंकि हमें अल्फ़ा निकालना है, कॉस अल्फ़ा निकालना है तो हमें अल्फ़ा पता होना चाहिए, तो अल्फ़ा ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो जाएगा 30 डिग्री × 2, ये हो गया आपका 60 डिग्री। अब आपको अल्फ़ा की वैल्यू पता है कि ये क्या है, 60 डिग्री, तो आपको निकालना क्या है, कॉस अल्फ़ा की, ठीक है, कॉस अल्फ़ा मतलब कॉस 60 डिग्री, और कॉस 60 डिग्री आपकी क्या है, यहाँ पे कॉस 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है आपकी, 1/2, तो यही हो जाएगा आपका आंसर। देखिए आपने बहुत ही जल्दी निकाल लिया होगा, इसके और भी तरीके हैं, लॉन्ग मेथड भी हैं, तो वो मैं नहीं यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ, अभी मैं आपको शॉर्ट मेथड ही बता रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 10वां और हमारा लास्ट क्वेश्चन है ये, कि यदि 5 sin² θ +3 cos² θ तो मैक्सिमम और मिनिमम क्या होगा, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक में ये क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, तो इनको आप सॉल्व कर लीजिए, ज़्यादा नहीं, इनके 2 सेकंड लगते हैं, आप इसे मात्र देख के ही बता सकते हैं, लेकिन फिर भी बहुत से लोगों को नहीं आता है, तो इसीलिए मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। इसमें क्या होगा दोस्तों, जैसे भी आपको ये इस टाइप का फॉर्म दिखे कि a sin² θ +b cos² θ, इस टाइप का कोई फॉर्म दिखे, यहाँ पे भी आप यही देख रहे होंगे, ए की जगह 5 है, बी की जगह 3 है, बीच में प्लस, इस टाइप का कहीं भी आपको फॉर्म दिखेगा तो आपको ये देखना है कि ए बड़ा है या बी बड़ा है, ठीक है, कौन सा बड़ा है। अगर ए बड़ा है तो क्या हो जाएगा, वो आपका मैक्सिमा हो जाएगा, और बी बड़ा है तो देखिए मैं आपको समझा देता हूँ कैसे करना है, जो बड़ा होगा चाहे वो ए बड़ा हो या बी बड़ा हो, जो बड़ा होगा वो आपका मैक्सिमा हो जाएगा, जो छोटा होगा वो आपका मिनिमम हो जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन को ले लेते हैं, 5 sin² θ +3 cos². अब इसमें ए और बी में कौन बड़ा है आप बताइए, ए हमारा है 5 और बी हमारा है 3, तो आपका क्या बड़ा है, ए ही बड़ा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका मैक्सिमम हो जाएगा, तुरंत आप देखते ही बता देंगे, ये क्या हो जाएगा मिनिमम हो जाएगा। चलिए एक समझाने के लिए आपको एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ यहाँ पे, ये है 3 sin² θ +4 cos² θ।
क्वेश्चन में कह रहा है कि इसकी मैक्सिमा और मिनिमा बताइए, मैक्सिमा और मिनिमा बताइए, तो क्या हो जाएगा? आपने देखा यहाँ बड़ा कौन सा है, फोर बड़ा है, तो फोर बड़ा है तो ये क्या हो जाएगा आपका, मैक्सिमा क्या हो जाएगी, फोर हो जाएगी, मिनिमा क्या हो जाएगी, थ्री है, क्योंकि हमको पता है थ्री छोटा है फोर से, बस कुछ नहीं करना इसमें। तो दोस्तों ये था हमारा आज का पार्ट मैथ से रिलेटेड, ये हमारा प्रैक्टिस सेट का दूसरा पार्ट था। मुझे उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल ब्लैक बोर्ड को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए, क्योंकि आने वाले समय में आपको और भी बेहतरीन वीडियोज़ मिलने वाली हैं। ऑलरेडी हमने 200+ वीडियोज़ डाल रखे हैं ट्रिक और प्रैक्टिस सेट से रिलेटेड डिफरेंट टॉपिक के, तो आप उन वीडियोज़ को भी जाके ज़रूर देखिए। प्लेलिस्ट में, प्लेलिस्ट का लिंक दोस्तों आपको हर वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और कमेंट में सबसे ऊपर मिल जाएगा उसका लिंक, तो वहाँ से जाकर आप उन सभी वीडियोस को देखिए। और दोस्तों अगर आपका आज के वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है या सजेशन है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द आपके कमेंट का रिप्लाई करेंगे। और दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करके हमारा सपोर्ट करें। आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।